लेकिन दोस्तों आज अपन लोक देवता मेहा मांगल्या के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले अपन इसका स्लाइड बना दिया, क्योंकि इससे एक फायदा कि आपको समय की बचत होगी और आपको डायरेक्ट पक्का पकाया मिलेगा। लेकिन ऐसे बाद में लिखने पर आपको भी समय देखने में समय लगेगा तथा आपका समय बर्बाद होगा। तो मैंने पहले लिख दिया, अब डायरेक्ट समझा देंगे। और मेहा मांगल जाएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा। मोस्ट मोस्ट मुख्य बिंदु मैंने लिख दिए, और इसमें से आप पटवारी, आरएस, प्री, सेकंड ग्रेड टीचर, रीट, कोई सा भी एग्जाम, एलडीसी का, राजस्थान का, ऑल कंपटीशन, सभी में ये काम आएगा। तो मेहा मांगल जाएगा यहाँ से चलकार है, तो इसे थोड़ा इधर लिख देते हैं। जन्म बापणी पिता का नाम पिता का नाम गोपाल राज सांगला, परिवार पवार क्षत्रिय या सांगला राजपूत थे, अर्थात ही राजपूतों के थे। इसका घोड़ा कल्ड काबरा, युद्ध जैसलमेर के रणदेव भाटी से इन्हें युद्ध किया और इस युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हुई, अर्थात ही हमेशा धर्म की रक्षा की खातिर लड़े तथा सदा जीवों की सेवा करते थे। और ये शकुन शास्त्र के अच्छे ज्ञाता था कि किसी भी राजा की कुंडली को देखकर ऐसा बता देते थे कि इस टाइम पे आपके साथ ये होगा, और ये किसी को हाथ देकर यूं बता देते कि आपको यहाँ का राज मिलेगा। इस प्रकार ये शकुन शास्त्र के अच्छे ज्ञाता माने जाते थे। इनके समकालीन शासक राव चुंडा थे। मेहा अष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है, जिसे मेवा अष्टमी भी कहते हैं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भगवान कृष्ण का भी जन्म उत्सव आता है। मंदिर बापणी जोधपुर जिले में इसका मेला लगता है। इसके पुत्र का नाम हड़बूज था। हड़बूजी भी लोक देवता के रूप में पूजे गए हैं तथा मेहा मांगल्या को पंचपीरों में शामिल किया गया है। ये बात और लिखनी है, मेहा मांगल्या पंच पीरों में शामिल किया गया। मेहा मांगल जिया को पंचवीरों में शामिल किया गया है। और ये बाबा रामदेव जी जो अजमल जी के पुत्र थे, उनसे इसका परिवार तल्लुक रखते थे, क्योंकि हड़बू जी जो बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, इस कारण इसका मेहा मांगल जिया रामदेव जी से ताल्लुक रखता है। और ये हमेशा जीवों की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए जे, इस कारण इनको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। मेहा मांगल्या पंचपीरों में शामिल है, और पंचपीरों में है एक तो बाबा रामदेव जी, एक गोगा जी, एक फाबू जी, एक मेहा मांगल्या जी, एक हड़बू जी। पांच पीरों में ये पांच लोक देवता शामिल हैं। और एग्जाम में अधिकतर ये क्वेश्चन आता है कि कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल नहीं है, उसमें आंसर आता है हमेशा वीर तेजाजी महाराज, जो पंच पीरों में शामिल नहीं है।